नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। आपके साथ मैं हूं रितु तिवारी और मैं हूं आपके साथ तन्वी सिन्हा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आरे जंगल मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने आरे में पेड़ काटने पर रोक लगा दी है, अब आगे पेड़ों की कटाई नहीं होगी, ऐसा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र सरकार को और पेड़ ना काटने का यह आदेश। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आरे में पेड़ काटने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, तो ऐसी का महाराष्ट्र सरकार की ओर पेड़ ना काटने का आदेश दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बड़ा आदेश दिया गया है महाराष्ट्र सरकार को, जहां पेड़ ना काटने को कहा गया है। तो आरे में मेट्रो पार्किंग के लिए ये पेड़ कटाई चल रही थी, जहां पर कई पर्यावरण विधि और कई कार्यकर्ता इसे रोकने की तमाम कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद 29 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी भी की गई थी, लेकिन उसके बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है, जहां पर पेड़ काटने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। अभी पेड़ काटने को लेकर महाराष्ट्र सरकार को इस पर रोकने का आदेश दिया है। First and foremost, a happy Navami to you. And on Navami day, it is very good that the Supreme Court, moved by these young law students, has seen fit to record the Solicitor General's statement that there will be no further cutting of trees in the RA forest. तो सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई की आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई पर आज तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान जस्टिस अरुण मिश्रा ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा कि एक इको सेंसिटिव जोन है या नहीं और इस इलाके में विकास कार्य नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए हमें दस्तावेज दिखाएं। साथ ही उन्होंने कहा और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ चंद्र प्रकाश जुड़ चुके हैं। चंद्र प्रकाश जी, अगर आपसे पूछे, इस वक्त की अपडेट आ रही है जहां सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया, इस पर रोक लगा दी, क्या कुछ तमाम अपडेट आ रही है, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस दौरान? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो ये आरे कॉलोनी में पेड़ों काटे जाने का मामला है, तो इस पे तुरंत सुनवाई करते हुए इन्होंने रोक लगा दी है और जो भी स्थिति वहां पे है इसको यथास्थिति ही रखने की बात कही गई है। आपको बता दें कि ये जो आरे में पेड़ काटे जाने को लेके यहाँ पे छात्रों का एक प्रतिनिधि मंडल था, जो कि मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग करी थी, और इसी मांग को लेते हुए अदालत ने स्वतः संज्ञान लेते हुए आज इसकी सुनवाई करी और इसमें फैसला दिया। जी जी, आगे की अगर प्रक्रिया की बात की जाए, अगली सुनवाई तक इस पर रोक लग गई है, तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, अगली सुनवाई तक तो रोक लग गई है, इसमें ये सुनवाई के लिए रोक लगाने के लिए इसमें जो संगठन थे वो पर्यावरण प्रेमी थे और सामाजिक कार्यकर्ता लोग थे, जो इसके पेड़ों काटे जाने के विरोध में कर रहे थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से काफी खुश नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ जो यहाँ पे अगली सुनवाई तक का भी डेट नहीं है, लेकिन अगली सुनवाई अगर होती है इसपे तो जाहिर सी बात है, अगर कोई काम हो रहा है मेट्रो का तो इसपे अगर वो और भी उसपे वो देते हैं कि पेड़ लगाने के लिए, तो कुछ हो सकता है। जी चंद्र प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई की आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे।